जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम जुलाई महीने की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो, प्रत्युषा करंट अफेयर्स एप्लीकेशन का नाम है। इस टेस्ट को आप ऑनलाइन भी दे सकते हो वहाँ पर। कहता है द सफीर सिम्पसन स्केल इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे समझो जैसे अर्थक्वेक को कौन मेजर करता है, रिक्टर स्केल, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर सफीर सिम्पसन स्केल किस चीज़ को किस चीज़ को मेज़र करता है, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड या फिर हरिकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिकेन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारे एंटार्क्टिका के आसपास में क्या देखने को मिला है, हमको हरिकेन देखने को मिला है, यानी कि पैसिफिक ओशियन में। अब यहाँ पर इसकी ना पाँच कैटेगरी में देखने को मिलती है, यानी कि कैटेगरी वन से लेकर के पाँच तक, और जो कैटेगरी फाइव है ये सीवियर कैटेगरी के अंदर में आता है, जबकि जिसमें हमारी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर देखने को मिलती है। अगला आता है विद रेफरेंस टू द डिजिटल भारत निधि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों बेसिक्स यानी कि बैकग्राउंड को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है डिजिटल भारत निधि, देखो नाम से पता चला है डिजिटल कर देंगे हम। डिजिटल का मतलब क्या है, पेपरलेस, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसीजर है हम उसको क्या कर देंगे, पेपरलेस कर देंगे, भारत को बना देंगे पेपरलेस। यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर हो गई, जितना भी सारा काम काज है वो पेपरलेस हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, इससे करप्शन में रिडक्शन देखने को मिलेगी, ठीक। अब यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, कहता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कहता है इट वुड रिप्लेस द अर्स्ट वाइल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब यहाँ से देखो दोस्तों ये क्या एक फंड बनाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यानी कि ये वो फंड है जो एक तरीके से इसके अंदर में पैसे वगैरह डाले जाएंगे और ये पैसों को हम यूज़ करेंगे ताकि जो पब्लिक है यानी कि सिटीजन है इनको सर्विस दी जा सके, ठीक है। तो इस फंड को कौन रिप्लेस कर देगा, डिजिटल भारत निधि कर देगा। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में कहता है एज पर द टेलीकॉम एक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द टेलीकॉम कंपनीज टुवर्ड्स द डिजिटल भारत निधि विल फर्स्ट टू बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर टेलीकॉम एक्ट के बारे में बातचीत करी गई है। टेलीकॉम एक्ट के अंदर में क्या होगा, सपोज करो जैसे हमारी कंपनीज है जो हमको नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, जैसे एयरटेल हो गई, जैसे जियो हो गई, ठीक। ये क्या करती है, जैसे ऐसे समझो ये टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देगी। तो टैक्स का पैसा यानी कि जो यूनिवर्सल यानी कि सर्विस पर, जैसे एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू होता है ना AGR, तो वो पैसा कहाँ पर जाएगा, इस फंड के अंदर में जाएगा। यानी कि अब फंड को रिप्लेस कर दिया डिजिटल भारत निधि ने। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, पहला जो पैसा यानी कि देखो सरकार के पास जितना भी पैसा आता है वो कहाँ पर डाला जाता है, वो हमारा रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो पहले पैसा कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में जाएगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसके अंदर में आता है, ऐसे समझो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, यानी कि उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इससे विड्रॉ करेगी पैसा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द स्टेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपॉजिटिंग द कलेक्टेड फंड टू द डिजिटल भारत निधि फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या है, पावर है। तो करेक्ट हमारी पहली और दूसरी स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्म फ्लड एंड LB1 ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, जुलाई महीने के करंट अफेयर्स है। अब देखो COVID-19 के क्या है, केसेस जुलाई में देखने को मिले थे, हमने COVID-19 के बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिले थे, जैसे ओमाइक्रोन हो गया है ना, अल्फा, डेल्टा वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही क्या है, हमारा डेल्टा वेरिएंट का ही एक तरीके से ये वेरिएंट है, यानी कि फ्लड LB1। तो ये क्या है, COVID-19 वेरिएंट्स हैं। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द विजिंजम सी पोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो विजिंजम सी पोर्ट के बारे में बात कर रहा है ना, तो हमको लोकेशन पता होना चाहिए, जैसे गुजरात के अंदर में कांधला पोर्ट हो गया, मुंबई का मुंबई पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट हो गया, ऐसे ही क्या है, जो विजिंजम पोर्ट है ये हमको केरला के अंदर में देखने को मिलता है, यानी कि केरला के इस तरफ ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है। कहता है इट इज़ द इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लोकेटेड इन तमिलनाडु, गलत, यहाँ पर केरला होगा। फिर कहता है पोर्ट कैन ऑफर
अब वायबल ऑल्टरनेटिव एंड ऑप्शन टू द मेजर शिपिंग लेन्स टू मिटिगेट द डिसरप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि जब भी सप्लाई चेन में डिसरप्शन वगैरह होती है तो यानी कि ये क्या है, हमको बहुत जगह इससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। कहता है द पोर्ट हैज़ बीन ड्राफ्ट कैपेबिलिटीज। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये डेप्थ है यानी कि गहराई है इस पोर्ट की, यानी कि ऐसे यानी कि जब गहराई ज़्यादा होगी तो बड़े बड़े क्या है कंटेनर वाले शिप भी यहाँ पर डॉक कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट ठीक है। फिर कहता है पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये स्टेटमेंट भी ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है, जॉइंट हमको देखने को मिलते हैं ओनरशिप इसके अंदर में, सरकार की भी और प्राइवेट प्लेयर्स की भी। तो यहाँ पर 2, 3, 4 क्या हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। कहता है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ अबव आर पार्ट ऑफ बिमस्टेक ग्रुपिंग। तो दोस्तों बिमस्टेक के बारे में जानते हैं। देखो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, ये 1997 में बनाया जाता है। इसके अंदर में क्या है, टोटल 7 हमको देश देखने को मिलते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक, इंडिया, अब यहाँ पर आप देखोगे इंडिया के पड़ोसी देश भी यहाँ पर होते हैं, यानी कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ना, इसके देश देखने को मिलेंगे। जैसे ये हमारा हो गया श्रीलंका, यहाँ पर आप देखोगे ये नेपाल, इस तरफ हो जाएगा भूटान, यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों ये हो जाएगा बांग्लादेश, इंडिया के बगल में कौन आता है, यहाँ म्यांमार, म्यांमार के बगल में हो गया थाईलैंड। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इंडिया खुद, यानी कि 7, ये हमको 7 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान भी है, इसके अंदर में थाईलैंड भी है, तो इंडोनेशिया और चाइना नहीं है। तो 1, 2, 3 एंड 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। फिर कहता है प्रोजेक्ट 2025 रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। अब यहाँ पर देखो यूएसए के क्या है, इलेक्शन होंगे नवंबर दिसंबर 2024 के अंदर में, नवंबर 2024 में। अब देखो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी का ना मैनिफेस्टो था कि वो आने के बाद में ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट 2025 कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का मैनिफेस्टो है। तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वियना वॉज अंडर नाजी ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर इट वॉज डिवाइडेड इन टू 4 सेक्टर बाई द 4 कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अमंग द 4 कंट्रीज। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो, जैसे ये क्या है, हमारा यूरोप हो गया, है ना, यूरोप हो गया, यहाँ पर हमको ऐसे ऑस्ट्रिया देश देखने को मिलता है। तो आप ऐसे समझो, जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो जाती है तो इसकी टेरिटरी को क्या करा जाता है, बांटा जाता है आपस में। तो ईस्टर्न टेरिटरी रशिया ने ऑक्यूपाई कर ली, वेस्ट में आप देखोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये अमेरिका ने कुछ टेरिटरी को भी इसके ऊपर वो करा, है ना, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर यूएस, यूके, फ्रांस, यानी कि टेरिटरी को ऑक्यूपाई करा था। इसमें से कहता है कौन नहीं है, नॉट, इटली हो जाएगा। और देखो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट यहाँ पर क्या है, साउथ में हमको इटली देखने को मिलता, तो इसका आंसर क्या है, इटली है, जिसने टेरिटरी को नहीं लिया था ऑस्ट्रिया की वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। फिर कहता है विद रेफरेंस टू स्पोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीन रिसेंटली इन न्यूज़। कहता है मैरी कॉम इज़ द चीफ डी मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट टू कम्पीट इन द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। दोस्तों देखो ये ओलंपिक गेम्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, 2024 के। तो पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पर हुए, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ये हुए। आपको पता होना चाहिए इंडिया ने कितने मेडल जीते, ठीक, एक सिल्वर मेडल जीता, वो भी किसने, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है दोस्तों, और बाकी ब्रॉन्ज जीते मनु भाकर और इन सब ने मिला करके। अब देखो दोस्तों जो हमारा इंडियन नेशनल कंटिजेंट था, यानी कि पेरिस में, इनकी मेंटरशिप किसने करी, तो दोस्तों गगन नारंग ने इनकी मेंटरशिप करी, है ना, इसी को बोला जाता है चीफ डी मिशन। तो चीफ डी मिशन कौन है, गगन नारंग है हमारे, मैरी कॉम नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड कहता है इंडिया लिफ्टेड इट्स सेकंड T20 वर्ल्ड कप आफ्टर अ गैप ऑफ 17 ईयर्स इन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ये स्टेटमेंट ठीक है। दोस्तों 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, यानी कि ये ICC ट्रॉफी थी। फिर अब 2024 में हम T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ठीक है, ये ICC वो है। तब कौन कैप्टन था, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन था। इस साल कौन कैप्टन था, रोहित शर्मा कैप्टन था। किसके अगेंस्ट हमने 2024 का ये खिताब जीता,
तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में जीता, तो करेक्ट हमारी सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हनीबल डायरेक्टिव रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? देखो, इन्वायरमेंट, डिफेंस, ट्रेड या स्पोर्ट्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन वगैरह पूछी जाती है पेपर के अंदर में, ये उससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे ये इसराइल का मैप हो गया, ठीक है, 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रही है इसराइल और पैलेस्टाइन की। अब पैलेस्तीनियों ने क्या करा, 7 अक्टूबर में जाकर के इसराइल के अंदर में छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। तो इसराइल ने ये बोल रखा है कि जब ऐसी किसी सिचुएशन में आ जाए इसराइल, यानी कि करो मरो वाली, यानी कि अगर अपने एक सोल्जर को बचाने के लिए उसको सामने वाले देश के यानी कि दुश्मन देश के सिविलियंस को भी मारना पड़े ना, तो मारेंगे। ये सोल्जर की वो है स्ट्रेटजी, है ना, उसकी क्या है, नीति है। तो ये इसको बोला जाता है हनीबल डायरेक्टिव। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगी, डिफेंस से रिलेटेड हो जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है विद रेफरेंस टू चैपिया मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले चैपिया की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यानी कि चैलेंज फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़। ऐसे समझो जैसे ये क्या, ये हमारा सन हो गया, आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, जैसे ये मरकरी, ये वीनस, अर्थ है ना, यहाँ पर मार्स, फिर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एस्ट्रॉयड बॉल्ट, फिर यहाँ पर जुपिटर, फिर उसके बाद में 3 छोटे छोटे प्लैनेट सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर उसके बाद में ये क्या होती है, हमारी काइपर बेल्ट होती है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। तो अब यहाँ पर क्या, ये हमारा मार्स है, तो नासा क्या करना चाह रहा है कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजेगा, है ना, वो वहाँ पर रहेंगे लाइव। तो लेकिन जाने से पहले वो क्या है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, यानी कि अपने अर्थ पर ही ऐसी कंडीशन बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल जीरो ग्रेविटी वाली, यानी कि मार्स जैसी कंडीशन यहाँ पर बनाएंगे, और वहाँ पर साइंटिस्ट क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए उस जगह पर रहेंगे, ताकि वो चेक करेंगे कि उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा अगर वो ऐसी कंडीशन में मार्स पर जाते हैं। तो ये चैपिया मिशन के अंदर में, ये नासा का मिशन है। कहता है इट इज़ अ सीरीज ऑफ एनालॉग मिशन दैट विल सिमुलेट ईयर लॉन्ग स्टेज ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स। स्टेटमेंट ठीक है। कहता है द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द एनालॉग मिशन विल अलाउ स्पेस एक्स टू कैरेक्टराइज द रिस्क ऑफ द प्लैंड एक्सप्लोरेशन, फूड सिस्टम डिज़ाइन इन रिलेशन टू क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेस एक्स का कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पर नासा का रोल है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, वीडियो कैसी लगी बताना, और वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, प्रत्यूषा करंट अफेयर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू गाइस।